हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वॉल पट्टी में कलर किस तरह से मिक्स करते हैं। तो जैसे आपको घर पे वॉल पट्टी करनी है और अभी आप पेंट नहीं करवाना चाहते हैं, तो आप वॉल पट्टी में भी कलर मिला के अलग अलग रंग कर सकते हैं। इसमें आपको A to Z सारे कलर मिल जाएंगे और इसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। जितना नॉर्मल वॉल पट्टी में आता है उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बाकी ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आना है इसमें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और ये है हमारी वॉल, इसके ऊपर हमें पुट्टी करनी है। मैं आपको थोड़ा ही करके दिखाऊंगा सैंपल के तौर पे, तो ये देख सकते हैं आप। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले लेनी है हमें पत्ती। पत्ती आपकी हार्ड वाली होनी चाहिए और जो स्ट्रप प्लस्तर लगा है इसको निकालना है हमें अच्छी तरह से। इस तरह से खुर्च के पूरा प्लस्तर निकाल देना है। पत्ती से खोजने के बाद में इसके ऊपर रेगमाल लगाएंगे, पटे वाला रेगमाल 80 नंबर का। और फिर इसको आप झाड़ू से भी साफ़ कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर पानी भी डाल सकते हैं, पानी से भी साफ़ कर सकते हैं इसको। तो बनाने में पुट्टी, ये हमारी JK वाल पुट्टी। आप पुट्टी कोई भी ले सकते हैं, बिरला पुट्टी या एशियन नेरोलक, कोई भी पुट्टी ले सकते हैं। इसका बनाना है हमें रंग। रंग आपको जो भी करना हो बना सकते हैं। मैंने पानी लिया है डब्बे में, तो एक मैंने ट्यूब ली है, ये येलो ऑकर है, ये देख सकते हैं आप, येलो कलर की ट्यूब है ये। और दूसरी ट्यूब मेरे पास ग्रीन है, फास्ट ग्रीन। आप अगर सिंगल कलर करना चाहें तो सिंगल भी कर सकते हैं। मुझे पैरेट कलर करना है तो मैं इसमें दोनों ट्यूब मिक्स करूँगा थोड़ी थोड़ी। ये येलो है और ये ग्रीन। और फिर इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। और ये देख सकते हैं हमारा इस तरह कलर बन गया है। कलर हमें डार्क ही रखना है, क्योंकि जब इसमें वॉल पट्टी बनाएंगे तो ये लाइट हो जाएगा सूखने के बाद में। इसलिए हमें जितना भी कलर चाहिए उसका डार्क ही रखना पड़ेगा। और ये हमारी पुट्टी। ये कलर आपको जैसे कि एक कमरे में करना है तो उस हिसाब से बना के, मतलब एक बार में ही बनाना है, बार बार नहीं बनाना है इसको, क्योंकि बार बार बनाएंगे तो कलर का फर्क पड़ेगा। एक बार में बना लेना है एक कमरे का, फिर उस हिसाब से पुट्टी लेके इसको मिक्स करना है। कलर आप इसमें कोई भी ले सकते हैं। ये 50 ग्राम की भी ट्यूब मिल जाती है। इसमें आप रेड, येलो, ग्रीन कोई भी कलर ले सकते हैं। ये सारे कलर अवेलेबल होते हैं। और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। मेरा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी पेंट और पॉलिश की वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं मुझे। और ये पुट्टी बनके तैयार है हमारी। अब इसको अप्लाई करना है दीवार के ऊपर। इसके लिए आप 6 इंच या 4 इंच की पत्ती ले सकते हैं, या इससे बड़ी भी ले सकते हैं, या आप गुरमाले का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें, जैसे मर्जी हो आपको इससे खींच सकते हैं। कलर डालने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे व्हाइट कलर करते हैं तो वो थोड़ा सा जल्दी गंदी हो जाती है, बाकी अगर कलर आपका हो जाएगा तो जल्दी गंदा नहीं होगा और बिल्कुल पेंट के जैसा दिखेगा। ये दूर से नहीं पता लगेगा कि पेंट हुआ है या नहीं हुआ है। और उसके बाद में आप चाहें तो पेंट भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें 2-4 साल के बाद में। तो इसी तरह से कर देनी है पुट्टी। और ये हो चुका है हमारा सिंगल कोट। अब इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे लगभग 1 घंटा, या आप ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, कोई चक्कर नहीं उसका। और भी सूख चुका है पूरा। अब इसके ऊपर रेगमाल लगाना है हमें। रेगमाल 220 नंबर या 120 नंबर, आप पीला वाला भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह से रगड़ देना है पूरी दीवार को। रगड़ने से ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे ब्लेड के निशान होंगे वो मिट जाएंगे और दीवार भी प्लेन हो जाएगी। उसके बाद में पानी के छींटे मार लेंगे इसके ऊपर हल्के हल्के। पानी डालने से ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी पुट्टी निकलती है रेगमाल लगाने से वो बैठ जाएगी और हमारी पत्ती भी बिल्कुल स्मूथ चलेगी, कहीं रुकेगी नहीं बीच में। उसके बाद में हमें डबल कोट अप्लाई कर देना है। डबल कोट, जैसे एक कोट आपने ऊपर नीचे मारा है तो दूसरा कोट दूसरी साइड में मारेंगे इस तरह से। और इसके ऊपर अगर आपको तीसरा कोट भी लगाने की ज़रूरत है तो तीसरा कोट भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर कोई चक्कर नहीं है। और ये हो गई हमारी पुट्टी। अगर आपको लगे कि इसके ऊपर तीसरा कोट लगाने की ज़रूरत है तो आप तीसरा भी मार सकते हैं हल्का हल्का रेगमाल लगा के। तीसरा कोट आप ऊपर से नीचे लगाएंगे जैसे हमने पहला कोट लगाया था, उस हिसाब से तीसरा कोट लगा देंगे।